27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। हमारे लिए योग का मतलब है एकता और प्यार। मैंने योग शुरू कर दिया, मुझे लगता है जीवन उसके बाद से ज्यादा बहुरंगी और सार्थक हो गया है। भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ, यानी ईश्वर से हमारा मेल। योग करने से जीवन में संतुलन, खुशी और आजादी मिलती है और फिर व्यक्ति जीवन को पूर्णता के साथ जी सकता है। आज दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा लोग योग को अपनाते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में ही हमें लोगों की चेतना में बदलाव आता दिखाई पड़े, जिससे हमारा ग्रह कहीं ज्यादा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण हो जाए। योग करने वाले लोग कहीं ज्यादा चेतन उपभोक्ता, बेहतर इंसान, पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक और अच्छे नेता बन जाते हैं। यही योग की शक्ति है और ये केवल दुनिया का कल्याण ही कर सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। 177 देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये एक कीर्तिमान है।